का उसका उसकी आंसर की हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है जो आज के प्रश्न में प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों का सही जवाब जानकर आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही करके आए हैं। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है UNFCCC से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1983 में। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कार्सिनोमा संबंध रखता है त्वचा व म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर से। अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना व निर्माण भारत में हुआ? आर्यभट्ट है। राजस्थान का राज्य वृक्ष का क्या नाम है? खेजड़ी। एक निर्बल में कितनी बिट्स होती है? 4। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे उपयोग करते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान से, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में। कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग में ली जाती है? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। और अगला प्रश्न पूछा गया था किससे? रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न था, तो इसमें हमारा सही जवाब होगा, ये बड़ा प्रश्न है, हमको इसे पढ़ने में टाइम लगेगा, तो हम इसका आंसर बता देते हैं, 2nd व 3rd/4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? हीरा। अगला प्रश्न करंट उससे सॉरी रीजनिंग से पूछा गया है, हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। और ये मैथ से पूछे गए प्रश्न है, गांव की जनसंख्या से रिलेटेड, तो इसका सही जवाब होगा कृषि और व्यापार, 2nd ऑप्शन हमारा सही होगा। और कमल व लक्ष्मण दो सगे भाई हैं, ये भी मैथ का प्रश्न है, सॉरी रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, चचेरी बहन। हमें जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के जवाब बताने हैं, तो इसलिए हम इसका सॉल्यूशन अभी आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। यदि आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है तो उनकी आयु पूछी गई है 6 वर्ष पूर्व, तो 6:13 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंपनी करंट अफेयर से पूछा गया है, जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है क्या है? क्या नाम है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो पंडित राजन मिश्र के बारे में कथन है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किसी मशीन के अवमूल्यन, ये प्रश्न मैथ से पूछा गया है, 12,000 रुपये होगा, किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है? तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? शिरीषा बांदला ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? म्यूकर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वह संगठन जिसने युवा में COVID-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों शिक्षा आदि पर COVID-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है? ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। संस्थान बताना है जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है? तो IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है, BPST इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, और इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका सही जवाब है 30 ऑप्शन नंबर 2। यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है, कुछ RAS प्रोफेसर है, तो पहला जवाब हमारा सही होगा, इसमें लुप्त संख्या पूछी गई है, तो 48 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर है? तो जयपुर है। अगला प्रश्न है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, MSME से क्या तात्पर्य है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है संशोधित एमआरएनए जो सार्स कोविड 2 के स्पाइक प्रोटीन को कोडित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, सॉरी 2 हमारा करेक्ट होगा, जिसमें 4 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है भवानी देवी। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो कोविड 19 का उपचार हीमोडायलिसिस को जोड़ा गया है। ब्रिक्स 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है भारत। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था करंट से। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता में कौन थे? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया गया है? शेखावटी में। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो विमल शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। कान्हट देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक हैं पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। दादू पंत की प्रमुख पीठ स्थित है नारायणा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? रानी नाथावती ने। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यह प्रश्न भी डाउटेड है, हम इसका सही जवाब आपको अभी नहीं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाथ द्वारा का मूल नाम था सिहाड़। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यह प्रश्न भी डाउटेड है, हम नहीं चाहते कि हम आपको एक भी प्रश्न का जवाब गलत बताएं, तो इस प्रश्न को हम अभी डाउट में रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। तो कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात और बांदीपुर कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी एडीसी 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? तो युगांतर से संबंधित नहीं थे, बाकी सबसे संबंधित हैं। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कौन सा सही है? रवाज। ऑप्शन नंबर 3। भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है तो बी ए डी सी सही ऑप्शन होगा। दक्षिणी चेन्नई और मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिमी जयपुर पूर्वी कोलकाता, बी ए डी सी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? सोम कमला और अंबा। इम्पोर्टेंट प्रश्न था यह, प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बहुत इजी प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो मुंबई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, स्वेज नहर जोड़ती है। बहुत आसान प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। राजस्थान के खनिज संसाधनों का उनके उत्पादक स्थलों से मिलान करना था तो टंगस्टन डेगाना मैग्नीज लीला लीलवानी और तांबा खेदड़ी और सीसा जस्ता जावर माला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, बी ए डी सी 4। अगला प्रश्न है, पर्वतों को उनके देशों से मिलान करना है और बताना है कि कौन से सही सुमेलित है? तो पिनाइन इंग्लैंड में है और दक्षिणी अल्पस न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए और बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्पलेशियन ब्राजील गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है भोराट राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? जालोर पाली जोधपुर नागौर और सीकर झुंझुनू, ये सभी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नगोया औद्योगिक प्रदेश है जापान का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग से एनवायरमेंट से पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रांतों में द्वैध शासन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? अनुच्छेद 171 में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 और ऑप्शन नंबर कृषि और पशुपालन का होगा अनुच्छेद 48। तो इसलिए 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं? तो सही जवाब होगा ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 79 के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। किस राज्य में अनुच्छेद 356 को सबसे अधिक बार लागू किया गया है? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो NN माथुर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो NK बैरवा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। कौन राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो जस्टिस जगत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोहन लाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 उपाध्यक्ष करेक्ट है। कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो मार्जिन आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है 0.820। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? सामाजिक समावेश। और अगला प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? व्यक्तियों की आय में अंतर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध चिकित्सक सेवाओं की उपलब्धता से है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए। और यह प्रश्न डाउटेड है, इसलिए हम इसका सही जवाब अभी आपको नहीं दे सकते। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केंद्रित नहीं है? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित किया गया है? तो वानिकी व जैव विविधता परियोजना चरण 2 GICA से संबंधित है और राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो सही जवाब होगा इसका 93 का 4321। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य है अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रा स्फीति का एक कारण नहीं है? उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, इसमें रोमन संख्या में दिया गया है 2 करके। तो यह प्रश्न अभी हम इसका सही जवाब तो बी ही ऑप्शन लगाएंगे, डाउटेड है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेमेन को। DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? एलेक जेफरी व सहयोगी द्वारा। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और लास्ट प्रश्न है, इस एग्जाम का अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश व बोनस शेयर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।